बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 की हमारी जो लिस्ट है, इसमें ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसमें फीचर्स सारे ही स्मार्टफोन 5G कंप्लाइंट है और इन सभी स्मार्टफोन को आप एक ट्रू फ्लैगशिप किलर कह सकते हो। इन सभी में आपको काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफी जबरदस्त कैमरा देखने को मिलेगा और डिस्प्ले भी आपको हाई रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर का जो फोन है वो है मोटोरोला की तरफ से S20। इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज का 10 बिट वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इस फोन के डिस्प्ले में आपको 1 बिलियन तक कलर्स देखने को मिलते हैं और 144 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। और साथ ही इस फोन में हमें देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में हमें Qualcomm Snapdragon 778G देखने को मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस है। GPU हमें देखने को मिलेगा Adreno 642L LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ। इस फोन के रियर में हमें 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है जिससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। और फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप और इससे भी आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। साथ ही इस फोन में मिलेगी आपको थिंक शील्ड की बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 11 5G बैंड। और इस फोन में मिलता है हमें काफी क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस IP52 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग के साथ। इस फोन का वेट है 163 ग्राम और मोटाई है 6.9 mm। ये फोन आप दो कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, फ्रॉस्टेड पर्ल और फ्रॉस्टेड एमरल्ड। इसका 8+128GB वाला वेरिएंट आप 30,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो आखिरी में बात करते हैं इस फोन की कमियों की। तो पहली कमी है कि इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी कमी है इस फोन का बिल्ड। इस फोन में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है जो इसके लुक्स को थोड़ा स्पॉइल करता है। तो अभी चल रहा है OnePlus वायरलेस ईयरबड Z का गिवअवे, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बताना है कि आपका बेस्ट पिक कौन सा है इस लिस्ट में से, और साथ ही आपको अपनी इंस्टाग्राम ID भी मेंशन करनी है और साथ साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के चौथे नंबर के फोन की तरफ और चौथे नंबर पे है ओप्पो की तरफ से रेनो 6। इस फोन में मिलेगा हमें 6.43 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले। साथ ही इसकी स्क्रीन में मिलेगा हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और इस फोन में हमें देखने को मिलता है फ्लैट एज डिजाइन भी। फ्लैट एज जो डिजाइन है वो आपको एप्पल के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 900 देखने को मिलता है। GPU आपको देखने को मिलेगा Mali G68 LPDDR4X RAM और UFS 2.1 के साथ। इस फोन का ऑन-टू-डू स्कोर है 4,31,000। अब बढ़ते हैं इस फोन के कैमरा की तरफ। तो इस फोन के रियर में हमें देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और इससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। और फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप और इससे आप फुल HD वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। 4300 mAh के लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है 65 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेती है सिर्फ 28 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। इस फोन में आपको देखने को मिलता है Wi-Fi 6 और साथ ही इसमें देखने को मिलेगा आपको Dolby Atmos। इस फोन का वेट है 182 ग्राम और मोटाई 7.5 mm। ये फोन आप दो कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, ब्लैक और ब्लू। इसका 8+128GB वाला वेरिएंट आप 30,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो आखिरी में बात करते हैं इस फोन की कमियों की। तो ये फोन एक कैमरा सेंट्रिक फोन है मगर इसके बाद भी इसके वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको OS देखने को नहीं मिलता है। और बात करें इस फोन की दूसरी कमी की तो इस फोन में आपको कोई भी वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो इन सभी स्मार्टफोन के जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन के हैं। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़े ऑफर और आ जाएं। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स के लिए मैं बेस्ट बैंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर के फोन की तरफ और तीसरे नंबर पे है OnePlus की तरफ से Note 2। इस फोन में मिलेगा आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले। साथ ही इसका स्क्रीन और बैक में हमें देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 1200 देखने को मिलता है। GPU आपको देखने को मिलेगा Mali G77 LPDDR4X RAM और UFS 3.1 के साथ। इस फोन का ऑन-टू-डू स्कोर है 5,12,000। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की तो इस फोन के रियर में हमें देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और इससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। और फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप और इससे फुल HD वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। 4500 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेती है सिर्फ 30 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। 7 5G बैंड देखने को मिलता है। साथ ही हमें देखने को मिलता है स्टीरियो स्पीकर। इस फोन का वेट है 189 ग्राम, मोटाई है
8.2 mm. ये फोन आप तीन कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, ग्रीन, ब्लू, ग्रे। इसका 8+128 GB वाला वेरियंट आप 30,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो आखिरी में बात करते हैं इस फोन की कमियों की। तो पहली कमी है, इस फोन में आपको कोई भी वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट की रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी कमी है, इस फोन में आप काफी लिमिटेड गेम 60 FPS के ऊपर खेल पाएंगे। तो ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर के फोन की तरफ। और दूसरे नंबर पे है पोको की तरफ से F3 GT। इस फोन में मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD+120Hz का AMOLED डिस्प्ले। साथ ही हमें देखने को मिलेगा HDR10+ का सपोर्ट और इसके स्क्रीन में हमें देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 1200 देखने को मिलता है। GPU आपको देखने को मिलेगा Mali G77 LPDDR4X RAM और UFS 3.1 के साथ। इस फोन का AnTuTu स्कोर है 662,000। इस फोन के रियर में हमें 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिससे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। और फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 16 MP का सिंगल कैमरा सेटअप और इससे आप फुल HD वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। इस फोन के रियर कैमरा मॉड्यूल में आपको RGB लाइटिंग भी देखने को मिलती है, जिसे आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे। साथ ही इस फोन में हमें देखने को मिलती है 5000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी 67W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेती है 42 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। इस फोन के साइड फ्रेम में आपको फिजिकल ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप गेमिंग के दौरान यूज कर पाएंगे। साथ ही इस फोन में हमें देखने को मिलती है IP53 की वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट की रेटिंग। इस फोन का वेट 205 ग्राम और मोटाई 8.3 mm, तो इस फोन का वेट थोड़ा ज्यादा है। ये फोन आप दो कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, सिल्वर और ब्लैक। इसका 8+128 GB वाला वेट आप 29,000 में खरीद पाएंगे। तो आखिरी में बात करते हैं इस फोन की कमियों की। तो पहली कमी है इस फोन का कैमरा, स्पेशली इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो काफी डिसअपॉइंट करता है। और दूसरी कमी है इस फोन का वेट। तो अगर आपको लाइट वेट फोन पसंद है तो ये फोन आपके लिए नहीं है। तो फाइनली हम आ गए अपने लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन के फोन पे, और जो नंबर 1 पोजीशन का फोन है वो है Realme GT Master Edition। इस फोन में मिलेगा आपको 6.43 इंच का फुल HD+120Hz का सुपर AMOLED डिस्प्ले। प्रोसेसर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 770G, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस है। GPU आपको देखने को मिलेगा Adreno 642L LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ। इस फोन का AnTuTu स्कोर है 5,21,000। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा की। तो इस फोन के रियर में हमें देखने को मिलते हैं 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और इससे 4K वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। और फ्रंट में हमें देखने को मिलता है 32 MP का सिंगल कैमरा सेटअप और इससे फुल HD वीडियो ले पाएंगे 30 FPS पे। 4300mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेती है 33 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। इस फोन में हमें 3.5mm जैक देखने को मिलता है। साथ ही हमें देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस फोन का वेट 174 ग्राम और मोटाई 8 mm। ये फोन आप तीन कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। इसका 8+256 GB वाला वेरिएंट आप 30,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो आखिरी में बात करते हैं इस फोन की कमी की। तो वैसे तो ये फोन काफी बैलेंस है, मगर परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन इस लिस्ट के कुछ फोन से थोड़ा पीछे नजर आता है। पर इस फोन का जो प्राइस है वो काफी जबरदस्त है। इस फोन का बेस वेरिएंट 26,000 रुपए में खरीद पाएंगे। तो रियलमी ने काफी अच्छा काम करा है इस फोन पे, और अपने वर्डिक्ट में भी आपको मैं यही फोन रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये फोन जो पैकेज लेके आता है और जिस प्राइस पे लेके आता है वो काफी जबरदस्त है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको जानना है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 40,000 के बारे में, तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।